हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं एक पोर्टेबल पावर बैंक आपको बना के दिखाने जा रहा हूँ। इसे बनाना बहुत ही ईजी है, तो चलिए देख लीजिए इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले आपको एक पावर बैंक की कैबिनेट लेना होगा। ये कैबिनेट आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में 150 रुपये का मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको पावर बैंक की जो किट होता है वो भी मिल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको 5 लिथियम आयन बैटरी चाहिए होगा 3.7 वोल्ट और 2000 mAh का। ये आप लैपटॉप रिपेयर की जो शॉप होता है वहाँ पर आपको अगर वो बोलोगे लिथियम लैपटॉप की बैटरी दो तो वो आपको दे देगा 50 रुपये का। अब आपको बोथ साइड टेप के मदद से सब बैटरी को एक साथ एक जगह पे फिक्स कर लेना होगा। जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी ऐसा कर लेना। बैटरी की जो पॉजिटिव पिन है वो एक साइड करना होगा, सब बैटरी की पॉजिटिव पिन एक साइड में और जो नेगेटिव पार्ट है वो एक अलग अलग साइड में, जैसे मैं कर रहा हूँ। सेम तरीके से करना, बहुत ही ईजी सर्किट है। आपको 2 वायर लेना होगा, मैं एक ग्रीन कलर का एक ब्लू वायर कर ब्लू कलर का ले रहा हूँ। अब आपको वायर को छील लेना होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको ऐसा सेम करना होगा। देख लीजिए आप, ऐसे ही आपको दोनों वायर को छील लेना है। आप छील लीजिए, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। आपका जो बैटरी का पॉजिटिव पार्ट है उसे आपको ग्रीन वायर उसमें आप ग्रीन वायर को सोल्डर कर दीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको सेम तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सोल्डरिंग करना होगा। ये हम पैरेलल में जॉइन करेंगे हम ये सर्किट को। सब बैटरी की ग्रीन एक तरफ करके आपको एक साथ जोड़ लेना होगा। देख लीजिए, बहुत ही आसान है, आप इजीली इसे जोड़ सकते हो। उसके बाद आपको सेम ऐसे ही नेगेटिव में भी करना होगा, नेगेटिव वायर को भी आपको एक साथ जोड़ लेना होगा। देख लीजिए वीडियो में, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया हूँ। अब आपको जो पावर बैंक का कैबिनेट है उसमें आपको ये बैटरी पूरा फिक्स कर लेना होगा। उस देख लीजिए आप, पूरा अच्छी तरीके से आप बोथ साइड गम के हेल्प से आपको ये फिक्स कर लेना होगा आपको पावर बैंक का कैबिनेट में। We'll be right back.
अब आपको जो पावर बैंक का किट है, इसे आप जो बक्सा में भी पावर बैंक का जो कैबिनेट है वहाँ पर प्रोवाइड मिलेगा आपको ये किट। सब नेगेटिव पॉजिटिव आप किट में लिखा हुआ है, आपको सिर्फ सोल्डरिंग कर देना होगा। आप किट में अगर आप देख सकते हो तो एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में नेगेटिव आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको सिर्फ सेम तरीके से सोल्डरिंग कर देना होगा। तो बहुत ही आसान है, देख लीजिए आप, हमारे ये पावर बैंक पूरा कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ही अच्छा होममेड पावर बैंक है, इसमें अभी चार्ज नहीं है बैटरी। मैंने बोला था ये बैटरी पुराना है, पावर मैंने लैपटॉप की रिपेयरिंग के शॉप में से नहीं लाया है, आपको ये चार्ज देना होगा लाके। यहाँ पर 2% आप देख सकते हो चार्ज है इसमें, तो बहुत अच्छी। आपको इसे आप फिक्स कर देना होगा, आप फिक्स कर लीजिए, देख लीजिए आप इसमें। तो ये हमारा पावर बैंक पूरा रेडी हो चुका है। आपका पावर बैंक के नीचे जो स्विच है, उस स्विच को अगर आप होल्ड करके रखोगे तो एक लाइट आपको ग्लो होकर दिखाएगी। ये लाइट का रोशनी अच्छा है, अच्छा खासा है, छोटे काटो काँच के लिए आप ये लाइट बहुत ही अच्छा है, आप देख लीजिए। इसे बंद करने के लिए आपको सेम तरीके से वो लाइट होल्ड करना, जो स्विच है वो होल्ड करना होगा और ये लाइट बंद हो जाएगा, देख लीजिए आप। बहुत ही अच्छा सिस्टम है, ये फ्लैश लाइट का एक छोटा सा फीचर इसमें दिया गया है, अब देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। अब आपको एक डाटा केबल चाहिए होगा, डाटा केबल देख लीजिए आप, ये आप चार्जिंग जहाँ पे करते हो वहाँ पे मिल जाएगा आपका, मोबाइल चार्जर के लिए ये लाए चाहिए होगा। अब देख लीजिए, मैं कोई फेक नहीं वीडियो नहीं बना रहा, सब आपके सामने हो रहा है। 57% चार्ज है, ये चार्ज हो रहा है हमारा, अब देख लीजिए अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। मैं खुद इसे बहुत दिन से व्यवहार कर यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।